किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स पर हमला हुआ। जिन छात्रों पर हमला हुआ है वो आखिर कौन है और क्यों इन पर हमला हुआ, कैसे किर्गिस्तान में ये हिंसा भड़की, चलिए जानते हैं। दरअसल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों पर हमले की खबर सामने आई। पाकिस्तानी छात्रों को खास तौर से निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों ने विदेशी छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया, उनके कमरे तोड़े गए। इसके अलावा रिपोर्ट आई है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट भी की गई। पाकिस्तान के एक छात्र ने वीडियो में कथित तौर पर कहा कि 3 छात्रों की मौत भी हो गई है। उसने बताया कि बंदूक और डंडों के जरिए हमला किया गया, लेकिन आखिर अचानक ये हिंसा क्यों भड़क गई? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक पूरा विवाद मिस्र की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुआ। 13 मई को मिस्र की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई। मीडिया से बात करते हुए बिश्केक में एक पाकिस्तानी मेडिकल छात्र मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, विवाद किर्गिस्तान के लोगों की ओर से मिस्र की छात्राओं के उत्पीड़न से शुरू हुआ था, जिसके बाद मिस्र के छात्र स्थानीय विद्यार्थियों से भिड़ गए, जो दंगे भड़कने का प्रमुख कारण है। अब्दुल्ला ने बताया कि किर्गिज छात्रों ने बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। किर्गिस्तान में स्थानीय मीडिया के मुताबिक 13 मई को राजधानी शहर के एक छात्रावास में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच लड़ाई हुई। विवाद में शामिल कम से कम 3 विदेशी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि 17 मई की शाम को स्थानीय लोगों ने विवाद में शामिल विदेशी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बिश्केक में विरोध प्रदर्शन किया। किर्गिज मीडिया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया। बाद में भीड़ बढ़ने लगी और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक संघीय प्रमुख के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। इस बीच बिश्केक में 3 मिस्र के छात्रों को हिरासत में लिया गया। किर्गिज कानून के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी छात्रों पर हमले में कम से कम 29 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एक पाकिस्तानी नागरिक का जबड़ा फ्रैक्चर भी हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज नेशन।